फ्रेंड्स, मैं उमा राठौड़, सहायकाचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट फाइनल में पेपर थर्ड में स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम सिलेक्शन रूल, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, इंटेंसिटी, एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। सपोज वी कंसिडर्ड ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विच अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम अपर वाइब्रेशनल लेवल V+1 टू लोअर वाइब्रेशनल लेवल V। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये अपर वाइब्रेशनल लेवल यहाँ पे V+ या 1 है और यहाँ हमारे पास 0 है। द चेंज इन द वाइब्रेशन एनर्जी विल गिव लाइक दिस। इस इक्वेशन में माना अपर एनर्जी लेवल V μ+1 है प्लस हाफ कॉमन है एच म्यू माइनस लोअर एनर्जी लेवल है हमारे पास न्यू प्लस हाफ ब्रैकेट में बाहर है एच न्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डेली जो एनर्जी है वाइब्रेशन एनर्जी वो है एच न्यू पे बराबर, यानी अपर एनर्जी लेवल में से लोअर वाइब्रेशन लेवल को हमें माइनस करना है तो एनर्जी इस प्रकार प्राप्त हमें होती है। दस फॉर ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल टू कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी लेवल आर इक्वली स्पेस्ड। हम देख सकते हैं कि कोई भी क्रमागत दो लेवल पे हमारे पास क्या है, इक्वल स्पेस है। ये देखिए, यहाँ यहाँ 0 से 1 हो या 3 से 2 हो या 4 से 3 हो, इनके एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो बराबर है। इट मीन्स एनर्जी डिफरेंस इज सेम फॉर एनी टू कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी स्टेट। दैट इज जैसे V0 के लिए जो एनर्जी है हाफ एच म्यू, V1 के लिए 3 h nu/2, इसी प्रकार आगे तक हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं वाइब्रेशनल सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में हम देखते हैं कि कंपन स्पेक्ट्रम के चयन नियम के अनुसार कंपन संक्रमण केवल निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में ही संपन्न होते हैं, यानी जो निकट है एक अपर और लोअर, यानी निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में भी में ही संपन्न होते हैं। अर्थात जो म्यू है हमारे पास वो क्या है, +-1 की स्थिति में ही कंपन संपन्न होते हैं। तो यह हमारे पास इसका सिलेक्शन रूल है। द सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम डेल न्यू इज इक्वल टू +-, द प्लस साइन इज फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड माइनस साइन इज फॉर इमिशन स्पेक्ट्रा। एज वाइब्रेशनल प्रोसेस आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन रूल बिकम एज लाइक दिस। अगला हमारे पास है प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। फॉर HCl द वाइब्रेशन एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^-1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर एज इट्स रोटेशनल एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^-4 eV। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज पॉसिबल ओनली इन लिक्विड वेयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जनरली डू नॉट अलाउ
रोटेशन एक्साइटेशन। इन एडिशन टू दिस होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एच टू है, एन टू है, ओ टू विच डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट डू नॉट शो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। इट मीन्स होमोन्यूक्लियर डायएटोमिक मॉलिक्यूल आर इंफ्रारेड इनएक्टिव, वेयर एज हेट्रोन्यूक्लियर डायएटोमिक मॉलिक्यूल आर आईआर एक्टिव। अब हम देखते हैं इंटेंसिटी। समानता कमरे के ताप पर अधिकांश अणु न्यू इज इक्वल टू जीरो कंपन अवस्था में होते हैं और न्यू इज इक्वल टू जीरो से वन बैंड ही स्पेक्ट्रम में तीव्रतम बैंड होता है जिसे हम फंडामेंटल बैंड या मूल बैंड कहते हैं। इसके बाद न्यू बराबर जीरो से टू वाली बैंड प्रथम अधिस्वरक बैंड यानी ओवरटोन बैंड होती है। यानी जीरो से वन तो हमारे पास फंडामेंटल बैंड होगी और उसके बाद जीरो से टू वाली जो बैंड होती है हमारे पास ओवरहेड ओवरटोन बैंड कहलाती है जो कि मूल बैंड से काफ़ी कम तीव्र या दुर्बल बैंड होती है। इसके आगे बैंडों की जो इंटेंसिटी वो घटती जाती है। अब हमारे पास है, हम देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए बॉन्ड। आईआर स्पेक्ट्रा हेल्प्स इन डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट के ऑफ ए बॉन्ड। किसी भी जो है बॉन्ड का हम बल स्थिरांक निकाल सकते हैं इसके द्वारा फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे जो न्यू बार है इज इक्वल टू हाफ टू पाई सी रूट के अपॉन म्यू। के इज इक्वल टू K इज इक्वल टू हमारे पास 4 पाई स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। सी हमें पता वेलोसिटी है, K फोर्स कॉन्स्टेंट है और जो हमारे पास म्यू है वो हमारे पास रिड्यूस्ड मास। न्यू बार कैन बी मेजर्ड विद आईआर स्पेक्ट्रा एंड देन कैन बी कैलकुलेटेड फोर्स कॉन्स्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सम बॉन्ड वैल्यू ऑफ ये देखिए ये हमारी टेबल है। इसमें हमारे पास कुछ बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट और उनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दी गई है। जो फोर्स कांस्टेंट है डाइन पर सेमी में है, आगे इनकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। जैसे लेते हैं एग्जांपल HF, इसका फोर्स कांस्टेंट है 9.7 इंटू 10 टू रेज 5 और इसकी बॉन्ड एनर्जी 135.0 है। हम तो ये हमारे पास फोर्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है। हम एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैलकुलेशन फॉर फ्रिक्वेंसी फॉर सी एच बॉन्ड इन मेथेन फोर्स कॉन्स्टेंट एंड रिड्यूस मास आर 5×10⁻²⁰ न्यूटन मीटर इनवर्स
एंड 1.6 इंटू 10 क्यू रेज माइनस 27 के जी रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पर हम C की वैल्यू, K की वैल्यू, म्यू की वैल्यू रखेंगे। रखने के बाद न्यू बार की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 2.9 इंटू 10 टू रेज 5 मीटर इनवर्स। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बोन एनर्जी, जो ये पहले टेबल है, हम देखते हैं फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज विथ बॉन्ड ऑर्डर मींस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज। ये देखिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे सी सी के बीच में जो बॉन्ड है हमारे पास, उसकी एनर्जी 4.5 है। उसी प्रकार सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, जिसके लिए हमारे पास जो के की वैल्यू है 10.0 10 टू रेज 5 है, तो बॉन्ड एनर्जी इनकी इंक्रीज हो गई है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्योर हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि अणुओं में के जो कंपन में जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, उनमें संक्रमण जो ट्रांजिशन से कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, यानी उनमें जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन से ये क्या है, कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। चयन नियम जो सिलेक्शन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा डेल म्यू जो है 0 ±1 2 3 इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन जो डेल जे होता है इसका प्लस माइनस वन ही होता है। डेल जे कभी भी 0 नहीं होता है, जबकि डेल म्यू हमारे पास 0 होता है, वर्जित होता है डेल जे। अतः एक जो डायटोमिक अणु का विशुद्ध स्पेक्ट्रम कभी भी नहीं होता है, वरन कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है। जब म्यू में परिवर्तन होता है तो जे में भी परिवर्तन होता है। कारण ये है कि घूर्णन ऊर्जा का मान कंपन ऊर्जा का मान घूर्णन ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होता है। उच्च ऊर्जा पर कंपन के साथ साथ घूर्णन तो सतह ही हो जाता है। चयन नियम जो डेल न्यू प्लस माइनस वन के अनुसार जो कंपन है संक्रमण निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में ही संपन्न होते हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे HCl, ये तो हमें स्पेक्ट्रम देंगे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, जबकि जो नॉन पोलर है O2, H2 इत्यादि, ये हैं IR स्पेक्ट्रम नहीं देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।